इधर गैरेज थी, शायद था ही नहीं, अभी थी, की हो गई। एक 15 से हम लोग 18 साल से इधर गैरेज रखे हैं। ऐसे नहीं कि हम लोग फ्री भी थे, ऐसा नहीं कि यहाँ के जो प्रॉपर ओनर थे, लैंड ओनर बोल रहे थे उन लोग, उनको हम लोग किराया दे के हम लोग 15-20 साल से इधर गैरेज से वगैरह चला रहे थे। मैं माजिद, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। आज बेंगलोर के HBR लेआउट के 80 फीट रोड क्रॉस में तकरीबन कई सारे गैरेजेस वहाँ पर मौजूद थी। उन गैरेजेस को ये जो जगह है BDA एक्विजिशन है, यानी कि इनलीगल वहाँ पर बिल्डिंग्स या गैरेजेस वहाँ पर बनाए गए थे, इस तरीके का BDA वालों ने बताकर वहाँ पर जो है सारी गैरेजेस को, हो सारी जगह को वहाँ पर BDA वालों ने एक्विजिशन कर लिया है। ये जो आप यहाँ पर जो तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में आपको साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ के कितने सारे गैरेजेस यहाँ पर थे। इन गैरेजेस को सारे जो है, यानी कि BDA जब भी आती है, आपको पता है, पूरी पुलिस सिक्योरिटी के साथ आकर वो लोग अपनी जगह को, यानी कि अपनी जगह को अपने कब्जे में लेते हैं। लोकल वहाँ पर एक गैरेज वाले थे, उनसे हमने बात की तो उन्होंने बताया कि ओनर को पहले ही पता था। BDA वालों ने कह रहे हैं कि ओनर को पहले ही पता था कि ओनर को हम नोटिस दे चुके हैं इस जगह को खाली करने के लिए, लेकिन ओनर बताता नहीं है। 3 दिन पहले आता है ओनर, यानी कि इससे 3 दिन पहले आकर रेंट्स पूछता है वहाँ पर। कई सालों से वहाँ पर ओनर बता के लोगों के पास रेंट लेते थे। अभी फ़िलहाल जो है, जो लोग गैरेजेस में वहाँ पर मौजूद थे, उनका एडवांस भी दे चुके हैं, कई लाखों के रुपए एडवांस दे चुके हैं ओनर को, रेंट्स देते आ रहे हैं, लेकिन इस मौके पर जो है ओनर वहाँ से गायब हो चुका है। यानी कि ओनर आकर खड़ कर किसी से बात नहीं कर रहा है। अभी ये लोगों का जो है, एक गैरेज के अंदर तकरीबन 5 लोग 10 लोग काम करते हैं। अभी फिलहाल उनके पास किसी के पास पैसा नहीं है, जगह नहीं है। ये तकरीबन 2.2 एकर्स की टोटल लैंड है जो BDA अभी फिलहाल एक्वायर कर चुकी है। एक बहुत बड़ी कामयाबी है BDA के लिए। तकरीबन 150 करोड़ की प्रॉपर्टी है ये, 150 करोड़ लागत है इतनी सारी प्रॉपर्टी की, आज जो है BDA एक्वायर कर चुकी है। चलिए हम तमाम तस्वीर देखते हैं किस तरीके से वहां पर पुलिस का अरेंजमेंट के साथ BDA ने वहां पर एक्वायर किया है। आज यहां पर HBR में जो गैरेज थे, आज सारे सवेरे से यहां पर BDA वालों ने आकर, मैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मनीष अहमद है, मैं यहाँ का लोकल रहने वाला हूँ। हमारी भी गैरेज है इधर, गैरेज थी, शायद था ही नहीं, अभी थी की हो गई। एक 15 से हम लोग 18 साल से इधर गैरेज रखे हैं। ऐसे नहीं कि हम लोग फ्री भी थे, ऐसा नहीं कि यहाँ के जो प्रॉपर ओनर थे, लैंड ओनर बोल रहे थे उन लोग, उनको हम लोग किराया दे के हम लोग 15-20 साल से इधर गैरेज से वगैरह चला रहे थे। अचानक से आज सुबह में आके BDA डमालिश है, BDA प्रॉपर्टी है बोल के डमालिश करना चालू कर दिया इन लोगों ने। फिर हमने ओनर से पूछा कि नोटिस वगैरह कुछ हम लोग को मिला ही नहीं, तो इन लोग ऑफिसर बोल रहे हैं हम लोग तुम्हारा ओनर जो लैंड ओनर है उसको हम लोग नोटिस भेजे हैं, मगर लैंड ओनर भी हमें इंडिमेशन नहीं दिया कि नोटिस वगैरह आया है कुछ नहीं। कम से कम हम इतना उम्मीद करते सकते थे कि अगर नोटिस भी मिलता तो हम कम से कम प्रिपेयर हो जाते थे। हमारा जो कॉस्टली आइटम्स जो है, जो गाड़ी वगैरह का पार्ट्स है, उसको कहीं शिफ्ट करना, कहीं हमें बंदोबस्त कर सकते थे। अचानक से ही ऐसा हो गया, जैसे कि हमारे ऊपर जुल्म हो गया, ऐसा हो गया। ठीक है, अब हम सरकार से और यहाँ के MLA साहब से हम एक गुजारिश करते हैं कि हमें कहीं जगह, क्योंकि बहुत गौर गरीब है, अभी ओनर गैरेज का ओनर रहता है, ओनर के नीचे 10 लड़के लोग काम करते हैं, सबका रोजी चलती है, कि यहाँ के MLA साहब से और यहाँ के हुकूमत से हमारी एक इल्तजा है कि कहीं पे भी हमें एक छोटी सी जगह बना के दे दे सब लोगों के लिए। तो आपको नोटिस यहाँ पर डायरेक्ट, नोटिस हम लोग को नहीं आया सर, ना नोटिस वगैरह कुछ हम लोग को नहीं मिली, शायद ओनरों को मिली होगी, मगर 3 दिन पहले तक भी ओनर आके किराए की बात करके गए, किराया लेके गए हैं बहुत से जन से। मैंने तो ये नहीं बोले कि हमको नोटिस मिली है, खाली करने वाले तुम लोग प्रिपेयर हो जाओ, ये तक भी सुना है नहीं हम लोग को। ओनर भी सुबह से नहीं आया। अचानक से सुबह सवेरे आ रहे हैं पुलिस वाले, JCP आ रही है, सब आ रही है, इतने पुलिस वाले क्यों आ रहे हैं? सब लोग फ़ोन करके, हम लोग घर पे हैं, फ़ोन करके हम लोग को सुना रहे हैं कि देखो जल्दी जल्दी आओ, बोलो भाग के आए, जितना हो सकता हम लोग बचाने की कोशिश किए हैं, बाकी सबको बहुत लॉस हुआ है। आपके चैनल के जानिब से हम लोग एक इल्तजा करते हैं कि मेहरबानी करें हमारे ऊपर, यहाँ के MLA हो या यहाँ के हुकूमत, कहीं हम पे थोड़ा जगह बना के, गरीबों के बहुत है, जगह बना के थोड़ा दे हमें।